दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 24 में। वीजी कंपनी है और हमें जो पता चला है वीजी के जितने भी प्लांट हैं सब पर एक साथ छापा पड़ा है। फरीदाबाद में भी कई प्लांट हैं। अभी हम खड़े हैं 121 के बाहर और इसके अलावा 126 में भी इनका प्लांट है। इसके अलावा पृथला में भी है, सेक्टर 21 बी में है। ऐसे बहुत सारे इनके प्लांट्स हैं और हर जगह एक साथ छापा पड़ा है। ये नवीन सूद की कंपनी है और बड़ी कंपनी है। देखिए इनकम टैक्स वाले आए हैं, टैक्सी की गाड़ियां लेकर आए हैं। आप लोग देख रहे हैं इनकम टैक्स इसी तरह से कार्रवाई करती है, चुपचाप आती है और सरकारी गाड़ियां नहीं ले आती ताकि किसी को पता ना चले कि वो छापा मारने जा रहे हैं। टैक्सी लेकर आते हैं और बहुत सारी टैक्सी देखिए अंदर खड़ी हुई है। अंदर देखिए CRPF के जवान भी हैं, ये सभी गार्ड हैं, गेट पर तैनात हैं और अंदर बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं और CRPF का एक जवान भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी पता नहीं चल रहा है रेड क्यों पड़ी है, क्या वजह रही है रेड की, ये तो इनकम टैक्स वाले ही जाने किस बात की पड़ताल की जा रही है, लेकिन रेड पड़ी ज़रूर है। आप लोग देख रहे हैं CRPF के कई जवान दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा अंदर से आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, CRPF के कई सारे जवान दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। रेड पड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अंदर खाना वाना मिल रहा है? हाँ, सब मिल, रोटी पानी चाय, बाकी कोई परेशानी नहीं? सहयोग मिल रहा है इनकम टैक्स का? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पता चला है, देखिए जितने भी सारे प्लांट हैं इनके और यहाँ पर जो मारुति जो गाड़ियाँ हैं उसके पार्ट्स बनते हैं, तो बहुत बड़ी कंपनी है। इनका स्टॉक में भी काफ़ी निवेश है और ये स्टॉक मार्केट निफ्टी में काम करते हैं नवीन सूद, और इनका बहुत बड़ा शेयर भी है। अब पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, किस तरह की कमाई की जाती है, इनकम टैक्स को क्या जानकारी मिली इनके बारे में, क्या कोई अवैध कमाई भी है, इनकम टैक्स को कुछ ना कुछ तो पता ही चला होगा तभी इतनी बड़ी रेड पड़ी है। और हमें जो जानकारी मिली है फरीदाबाद में जितने भी प्लांट हैं सब पर एक साथ रेड पड़ी है। अब बहुत सारे लोग कंपनी के बारे में जानना चाहते होंगे तो मैं कंपनी के बारे में भी आपको बता दूंगा। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, देखिए VG इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 121, सेक्टर 24, फरीदाबाद। तो बड़ी कंपनी है, बड़ा प्लांट है, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अभी गेट पर खड़े हुए हैं क्योंकि अंदर इनकम टैक्स वाले हैं और CRPF की फौज के साथ पहुंचे हुए हैं। और जो हमें पता चला है सबके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और सबकी जितने भी स्टाफ हैं सबकी पूरी डिटेल मांगी गई है, कितने स्टाफ हैं, उनकी क्या सैलरी है, पूरा बही खाते का हिसाब लिया जा रहा है इनकम टैक्स के द्वारा। आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही मानी जाएगी कि फरीदाबाद में VG इंडस्ट्रीज़ के जितने भी प्लांट हैं सब पर एक साथ रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, और ये लोग टैक्सी की गाड़ियों में आए हैं ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कंपनी में रेड मारने जा रहे हैं। यानी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरे ताम झाम और पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आगे जो भी रिजल्ट्स निकलेगा, जो भी जांच पड़ताल में रिपोर्ट सामने आएगी, इनकम टैक्स जो भी जानकारी देगी उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन देखिए जब भी इनकम टैक्स रेड पड़ती है तो कंपनी की छवि कहीं ना कहीं ख़राब ज़रूर होती है। अब रेड के बाद कंपनी वाले अपनी तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे और मीडिया को बताना चाहेंगे, अगर कुछ गलत नहीं मिलता है तो कंपनी वाले बाद में मीडिया को बता सकते हैं और हम भी ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी कंपनी की छवि ख़राब हो। तो उस कंपनी को भी पूरा मौका हम देते हैं कि मीडिया के सामने आएँ और अपनी बात रखें। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।